खगड़िया जिला के गोगरी थाना परिषद में आज सोमवार को सरस्वती पूजा को लेकर क्षेत्र में शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की गई, जिसके तहत सोमवार को गोगरी थाना परिसर में अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं मेला समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विभा कुमारी ने किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन, एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर परिषद अध्यक्षता रंजीता कुमारी निषाद, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश कुमार पंडित, एसआई रंजीत कुमार, राजीव कुमार, अधिवक्ता इकरामल हक भी उपस्थित थे। बैठक में सरस्वती पूजा पर शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसडीओ ने सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं सदस्यगणों को सतर्क रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं से भी चूक की गुंजाइश ना रहे, इस बात का सभी ख्याल रखें। वहीं जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र में पर्व के दौरान सक्रिय रहने तथा किसी तरह की बात होने पर सूचना अधिकारियों को देने की बात कही। उन्होंने सभी स्थिति पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारी से संवेदनशील स्थलों, क्षेत्र की स्थिति आदि की जानकारी ली। एसडीओ ने कहा डीजे पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा। डीजे मालिक बैठक में शामिल पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि। खगड़िया जिला के गोगरी थाना परिषद में आज सोमवार को सरस्वती पूजा को लेकर क्षेत्र में शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की गई, जिसके तहत सोमवार को गोगरी थाना परिसर में अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं मेला समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विभा कुमारी ने किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन, एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर परिषद अध्यक्षता रंजीता कुमारी निषाद, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश कुमार पंडित, एसआई रंजीत कुमार, राजीव कुमार, अधिवक्ता इकरामल हक भी उपस्थित थे। बैठक में सरस्वती पूजा पर शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसडीओ ने सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं सदस्यगणों को सतर्क रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं से भी चूक की गुंजाइश ना रहे, इस बात का सभी ख्याल रखें। वहीं जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र में पर्व के दौरान सक्रिय रहने तथा किसी तरह की बात होने पर सूचना अधिकारियों को देने की बात कही। उन्होंने सभी स्थिति पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारी से संवेदनशील स्थलों, क्षेत्र की स्थिति आदि की जानकारी ली। एसडीओ ने कहा डीजे पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा। डीजे मालिक सभागार में उपस्थित संबोधन जथोपरि सभी के लिए और जनतंत्र के सहज और सजग प्रहरी प्रेस प्रतिनिधिगण, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, और सभागार में उपस्थित अन्य भाई बंधुगण, छोटे बच्चे, सरस्वती पूजा जो है एक हर्ष उल्लास का त्यौहार है और एक्चुअली ये बच्चों का त्यौहार है। तो जो भी बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनका सोशल स्टेटस है, उनके गार्जियन हैं, वार्ड के लोग हैं, सभी लोगों का ये जिम्मेदारी है कि ये त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए और उनके दिमाग में ये बात भरी जाए कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उत्साह करें, उनका उत्साह वर्धन हो, लेकिन डीजे और माइक के माध्यम से नहीं हो, क्योंकि कानूनी रूप से और माइक बजाने का जो प्रावधान है 10 बजे से बाद में नहीं, 10 बजे के अंदर अंदर अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में 11 बजे अंदर ट्यूशन भी होता है, ये भी बच्चों के दिमाग में डालना है कि आप उत्साह करने में अगर अपना कुछ शरीर का कोई पार्ट खो देते हैं, बहुत लोगों को डीजे सुन करके धड़कन तेज हो जाता है, बूढ़े लोगों को या फिर जवान लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कान बहिर हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं हैं जो अपने बच्चों को बताएं। हमारे साथ एक चुनौतीपूर्ण बात अभी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, तो सरस्वती पूजा का जो आयोजन होना है 26 जनवरी 2026 को, तो सारे लोग विसर्जन कर लें 27 को, अगर 27 को नहीं करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो कर लें 29 को। यही मैसेज जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा सारा त्यौहार है जो शांतिपूर्ण गुजरा है, तो दशहरा, दीपावली, नया साल, तो मैं आशा ही नहीं विश्वास की कर रही हूँ कि हमारा सरस्वती पूजा और 26 जनवरी भी अच्छे से गुजरेगा। यही